देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज की इस खुशनुमा सुहावने सुबह में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं श्री निरंजन वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो राजीव दीक्षित को मंच पर ले आएं। व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जयप्रकाश सेवा केंद्र जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचय देना चाहूंगा। यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाडु के सुदूर गांवों से आर्थिक रूप से निहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा, उनका खान पान, उनका कपड़ा सब कुछ मुहैया कराया जाता है। और यह करीब 35 किलोमीटर दूर यहां से गुड़वांचेरी गांव में स्थित है। आपको जब भी मौका मिले कृपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानवीय कार्य वहां हो रहा है। और इस मानवीय कार्य के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव स्वरूप आदरणीय श्री शोभा कांत जी। मैं उनसे आदर करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मंच पर आए। अब मैं मुखातिब हो रहा हूं श्री राजीव भाई की ओर। राजीव भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश उन्हें जानता है कि उनका राष्ट्र चिंतन और जो राष्ट्रीय चेतना की बात वो पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागरूकता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं। ऐसे राजीव भाई जहां भी राष्ट्रीय चिंतन की बात होगी, जहां भी संस्कृति की बात होगी, हमारी धरोहर की बात होगी, वहां राजीव भाई का नाम शीर्ष पे लिया जाएगा, यह हम सब जानते हैं। और आज वो हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्थित हुए हैं। वो राष्ट्र धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय चेतना हम फैला पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक रूप लेके हमारे बीच में वो उपस्थित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे। यह शरीर जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन है, इस पृथ्वी पर यह शरीर जो है वो अनमोल है। उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए। और इस शरीर के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से हमें बताया है, उन्होंने अपने अनुभवों को ग्रंथों में लिखा है, लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ये राजीव दीक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो ऋषि वाग्भट ने लिखा था उस पर पिछले 3 वर्षों से ऐसा शोध किया है, उसमें इतनी गहन अध्ययन किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश की है बहुत ही सरल और सहज तरीके से, कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में, जो कि बहुत ही सरल है, उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ज़्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैद्य के हम लोग जी सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्थित राजीव दीक्षित को सौंपता हूँ। उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा। मैं श्री बंसीलाल जी बजाज जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज़्यादा हम महत्व्या पिछले 1 महीनों से, मैं चाहूँगा कि वो आए और माला द्वारा उनका स्वागत करें। श्री शोभा कांत जी शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। अब पूरा मंच राजीव दीक्षित को समर्पित है और मैं चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोड में डाल दें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा। श्री राजीव दीक्षित जी। चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का और विशेष रूप से श्री शोभा कांत जी का, प्रदीप भाई का, निरंजन भाई का, मेघानी भाई, इन सबका बहुत आभारी हूं कि इन सबकी प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था। हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है
इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है, जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में। तो जब सेंसस होता है तब उस समय यह भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किनको क्या क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को, और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं, आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफ़ी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है बस। 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है, जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं। जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, खराब बीमारी है। दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है, और ये 5 करोड़ लोगों को हो गई है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे 12-13 करोड़ लोग। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9-10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं, गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया, और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परेशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आँखों की कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता। हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए, वो करीब 96,000 करोड़ रुपए का है, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है, ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है। केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसत मैंने निकाला तो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 23 लाख हैं। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के, और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के, होम्योपैथी, आयुर्वेद
और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज या बल्कि 80 करोड़ मरीज, तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है। अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है। अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए, क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए? तो मंत्री के यहाँ से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो चुका है, अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ, भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है, ये सरकार का समझौता है। तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए, तो कम से कम 350 साल लगेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला? हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के, और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10%, वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो 350 साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा। अब पता नहीं 350 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहाँ से चले जाएंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूँ, उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है, सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया, ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में। विशेष रूप से एक वैद्य हैं हार्डीकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति है उनकी, हार्डीकर जी की उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है। मैंने हार्डीकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है, सरकार कहती है, आप क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हार्डीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा स्टेटिस्टिक्स देख लो, आंकड़े देख लो। तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी। तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज 100% लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहां शुरू की थी, जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी,
आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70-80% हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है। पिछले 60 वर्षों में आज़ादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे हैं तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने एक दिन हार्डिकर जी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। हार्डिकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो 1 मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में, संख्या भी कम है। तो हार्डिकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का। ये बात हार्डिकर जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे, डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है, वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से। एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था, मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था। वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के हम बात क्या करते हैं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, बस सुनना हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में, जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है, ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं। तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो, ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है, एक ही काम किया है, एक ही शोध किया है, वो दर्द से लड़ने का। इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा, तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है। तब मैंने हार्डिकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उनका देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागवत ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, बागभट्ट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत, आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है, मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूं। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं, सबसे कम बीमारियां। माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है। और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का ये है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवत ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो, और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, NCERT के सिलेबस में अब तो ये आ गया है। वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा, शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहाँ है, लीवर है तो कहाँ है, किडनी है तो कहाँ है, लीवर का किडनी से क्या संबंध है, किडनी का हृदय से क्या संबंध है, आपस के उनके इंटर रिलेशनशिप है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा। मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं
वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह। मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने, और इसमें ज़्यादा बात करूँगा तो समय खर्च होगा। आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूँ कि आज आप चाहें तो आज, नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें, दो तीन कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें। अभी सरकार ने एक 12 कैलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है, हृदय क्या है, किडनी क्या है, आपस के इनके फंक्शंस क्या हैं। ये बात भागवत जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा, शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है, नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें। और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से, पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च, और अगले हजारों साल में होगी नहीं। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो, उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो, उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए, वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहाँ कुछ होता होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया, एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं, थोड़ा शॉविनिज्म बहुत है, खराब शब्द है शॉविनिज्म, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह, हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया, लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है? गन्ना होता है? गन्ना, शुगर केन? तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है? आम, नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। चीकू होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। मौसमी होती है? नहीं होती। जब बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती, एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं, कड़वी चीज पूछते हैं, मेथी होती है? मेथी।
मेथी तो मीठी नहीं है, तो मेथी होती है? उसने कहा नहीं होती। पालक होता है? नहीं होता। चुकंदर होता है? नहीं होता। फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया, कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो मैंने कहा फिर होता क्या है? तो उसने कहा दो ही चीजें हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है, तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो, और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है, मीठी चीजों में क्या क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या क्या होता है, तीखी चीजों में क्या क्या होता है, कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या है, छह रस है ना, षड रस की बात कही जाती है, छो रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा। मैंने कहा यस भारत में इतना ही होता है। और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है तब तो वो बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा हर गांव में होता है, 7,32,000 गांव है, हर गांव में ये सब होता है, माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़कर। तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट, ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो भागवत जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं भागवत जी के बारे में एक दो जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं, ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं। भागवत जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया। ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक चरक चरक। भागवत जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेढ़ गुना ज्यादा काम भागवत जी का है। चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं, जो उनकी खोज है, रिसर्च है, चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है, उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम भागवत जी ने किया। प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना। जैसे चरक ऋषि ने कहा यह खाने से यह होता है, मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि यह वस्तु खाने से यह होता है, भागवत जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे, बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे, लेकिन भागवत जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही हैं, भागवत जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया है। भागवत जी की ये दो पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटू को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है, वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। भागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया, माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वरण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा दूसरा धारण करूंगा, जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है, तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं। और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं, 7,000, दो पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी, तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं,
जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है। क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में, अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूटकर ले जा रहे। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहे हैं। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं। और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से ये पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है। बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया। और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबा गाइगी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है, माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हां, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो। और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर, कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो, और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने, उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। बागवत जी के 7,000 सूत्र हैं, सभी सूत्रों पर बात करूं तो कम से कम तो महीना सवा महीना लगता है, वो भी रोज 3 घंटे बात करूं तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो। तो भारत में जैसे मैंने हार्डिकर जी का नाम लिया, उनकी मैंने मदद ली इसमें, और हार्डिकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं उनकी मदद मैंने ली, और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो।
तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो 7,000 से घटके 3,000 तक आए। फिर मैंने कहा ये 3,000 में मुझे बताओ, तो 3,000 से 1,000 पर आए, फिर 500 पर आए, फिर 500 से 50 पर आ गए। और वो 50 के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दो। तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले 5-6 दिन मेरे पास समय है, लेकिन उन 50ों में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, भागवत जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं पिछले हजारों सालों में वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं। आपके पास अगर कागज पेन हो तो जरूर निकाल लीजिए, नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा, डायरी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब कौन व्यक्ति इस विषय पर आपसे बात करने आएगा। और अगर नहीं है कागज पेन कॉपी तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है, मैंने किताब बना दी है, भागवत संहिता जो है, मैंने भागवत जी की अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके 3 भाग में एक पुस्तक बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अष्टांग हृदयम भाग 1 भाग 2 भाग 3। मूल लेखक भागवत जी हैं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए, भागवत जी ने एक सूत्र लिखा, अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा। एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है, भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको, भोजन को, जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों, तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के विष हैं, एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं। और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने 2 साल में 5 साल में 10 साल में 15 साल में 20 साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कदापि ना करें, क्योंकि वो विष है। अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा। अब इस हिंदी का विश्लेषण करें, हम कहना क्या चाहते हैं वो, और आज के हिसाब से विश्लेषण करें, सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें। अब तक मैंने जो बोला वो भागवत जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। भागवत जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है, बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं, सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो भागवत जी ने 3,500 साल पहले कहा, शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी ना कभी आदमी प्रेशर कुकर बना ही लेगा। ये मैंने मजाक में कहा, लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसके लिए। तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, माने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर भागवत जी का सिद्धांत लागू नहीं होता, माने सिद्धांत ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं, ना खाएं, वो विष है। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है ऐसा भागवत जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के 2 साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है भागवत जी। मैं कहता हूं ये टीवी पे बोलो तो उन्होंने कहा ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगी हमारी, टीवी पे नहीं बोल सकते हम, तुम चाहो तो बोलो। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम आप जानते हैं,
और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है, सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो एल्यूमिनियम ही है। और दोनों वैज्ञानिक, वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है, अस्थमा टीबी ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और ये दोनों रिसर्चर, सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में, जेल है ना हमारी, वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है आप जानते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं, लखनऊ की जेल में, लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया। वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया, वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। तो पता चला 100-125 साल पहले आया, 100-125 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया। और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था, भगत सिंह हो या ऊधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्रनाथ लाहड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की स्थिति में आ जाएं। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है। और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया, ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भागवत जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा यह है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है तो ना करें। नहीं तो क्या होगा, आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है, वो ये कहते हैं कुकर में खाना बनाने से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं,
इधर प्रेशर कुकर में खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या? और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा। तब दो घंटे रोज के हिसाब से मान लो बचा लिया, और साल भर में आपने 700-800 घंटे बचा लिए, कल्पना करो। फिर एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 2-4 महीने वहां निकल गया, नेट रिजल्ट क्या? वही शून्य का शून्य। तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो, पवन का स्पर्श ना होता हो, वो ना करें। अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है। भागवत जी तो लिख के चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है। मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें, क्या कारण है, यहां से अब बात मैं शुरू करता हूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में, ये जाने। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, यह है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए यह प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर, अतिरिक्त दबाव डालता है। यह है प्रेशर, प्रेशर माने दबाव। तो अतिरिक्त दबाव डालने की टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर। और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है, प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी, वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर के। सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है। सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गर्म होगा, आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है। तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई, वो वाष्प जो है ना वो दबाव डालती है, किस पर, दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। ये दबाव डाल के होता क्या है, दाल एक कल्पना करिए, अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कल्पना, अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े जिसको द्विदल कहते हैं, जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे, द्विदल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब द्विदल है, इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है। अब ये दाल पानी में पड़ी है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, तो ये दाल जो है ना फट जाती है। फटना समझते हैं, वो दरकना शुरू हो जाता है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं दाल को, दाल के अंदर जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे को जो जकड़कर बैठे हुए हैं, ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है। वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। तो उबल जाती है और दरक जाती है, आप खोलते हैं 5 मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है, पक नहीं गई है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का, वो पकी नहीं है, उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है। तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली, माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है, पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं, उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा यह कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है, कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है,
खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींच कर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर, तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद का नहीं कहना चाहिए, प्रकृति का सिद्धांत है। बच्चे को पेट के अंदर गर्भाशय में विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता। इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती, बच्चा भी जल्दी नहीं होता। सभी चीजों में यह है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी, तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे, तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है, या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं, तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। इन्हीं 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है, वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है। मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो यह मिट्टी की जो पवित्रता है, उसकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो वो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं।
तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ हाँ ये पूरी की दाल है। मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है, इस दाल में क्या है। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 6-8 महीने लगेगा। मैंने कहा ठीक है फिर भी। तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है, आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है। तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी में बनी है। तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी। तो मैं ले गया दिल्ली तक, सच में ले गया। और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है। दिल्ली में दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है, जो रिसर्च है, जो रिपोर्ट है, वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी। फिर मैंने उन्हीं वैज्ञानिकों को कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है। मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो, तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं, 87% नष्ट हो गए। मैं पूछा कैसे नष्ट हुए, तो उन्होंने कहा ये जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया, तोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं, तो दाल तो बिखर गई है, पकी नहीं है, बिखर गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते उनको आप उपयोगी बना लें, इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में। जो सूक्ष्म पोषक तत्व कच्ची अरहर की दाल खाने में शरीर को उपयोगी नहीं आएंगे वो उपयोगी आने लायक बनाए उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है बशर्ते कि आपके प्रेशर कुकर की। और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं, वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। इसका मतलब क्या है, भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा। तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है। तब मैंने गांव-गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी। मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे। तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ, तब मुझे समझ में आया उसके 3200 दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया। अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले। तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे, और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी। ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में, जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के। और न सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में, बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी, घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी, दही का मट्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था। अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए, हम भी एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है, बॉक्साइट। हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं, कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी।
हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं, माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन। अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग। वो नीचे कहां है जरा बताइए। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर, वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया। ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला, और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा, इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं। तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई, वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ सामान्य रहता है, इसलिए हमारे यहां एल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है। भगवान के लिए तो बनाते नहीं, धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता, सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। मैं आपको सरल बता देता हूं, दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, घंटे डेढ़ घंटे में पक जाएगी, उतार लीजिए फिर खा लीजिए। घंटे डेढ़ घंटे में आपके झाड़ू पोछा, दूसरे बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम करना है, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना, वो करते रहिए, वो दाल पकती रहेगी। ये है भागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो। यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में, और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, देख शायद देखा भी हो कहीं किसी के घर में। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या,
कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाए, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है। भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें। अब मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले 2 वर्षों में, मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये। तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे? अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं है। तो आप देख लो, तो जो गंभीर मरीज हैं वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहेंगे। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए, बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के, रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बाघभट्ट सच में महान आदमी थे। वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए, पवन का स्पर्श ना हो, तो वो आपके लिए अमृत तत्व है, भोजन नहीं है, वो अमृत जैसा है। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद। तो एक बार फिर हम राजीव भाई को अब सुनेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ताली बजाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और हवा का स्पंदन आप महसूस करेंगे और वही हवा आपको मिट्टी की खुशबू बिखेरेगी। और अब अपने सूत्रों को बिखेरने आए हैं हमारे भाई राजीव दीक्षित जी। राजीव भाई ने मुझे कहा था कि व्याख्यान के दौरान अगर बाबूजी शोभाकांत जी हमारे बगल में रहेंगे तो एक आशीर्वाद मेरे इर्द गिर्द मंडराएगा, इसलिए उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएं और उनके बगल में बैठें। तो मंच राजीव दीक्षित को समर्पित। कल मैंने आपसे जो बातें कही थी उनमें से बहुत सारी बातें आपको याद होंगी, शायद आपने लिखी भी होंगी। मुझे कल एक जानकारी दी बाबूजी ने, वो जानकारी आप सब तक पहुंचे ये मेरी उनसे विनती है। उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो टीवीएस ग्रुप है ना, टीवीएस जो यहाँ का चेन्नई का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रुप में उनकी गिनती है, उनके घर वो भोजन करने गए थे।
तो जरा बताएं। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज से करीब 28-30 साल पहले जब प्रभावती देवी ट्रस्ट एंड प्रभावती जयप्रकाश का विन्यास हुआ था तो TVS के मलकाइन भी इसकी ट्रस्टी बनी थी और पहला मीटिंग उन्हीं के घर में हुआ था जिसमें रामनाथ गोयनका, M.M. रामस्वामी और महालिंगम जितने भी यहाँ के एलुमिनरीज थे सभी हमारे ट्रस्टी हैं इस संस्था के, तो उन्हीं के घर में पहली मीटिंग हुई थी। तो हम लोगों को खाने पर निमंत्रण भी था तो खाया, तो मैंने कहा यह दाल बहुत स्वादिष्ट है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कल, तो कहा कि इसको ये कैसे किए हैं, तो बोले और देखिए चूल्हे के ऊपर में तो मिट्टी का बर्तन था तो उनके घर में मिट्टी का। मैंने कहा कि तब तो गैस बहुत खर्चा होता होगा, बोला हाँ गैस खर्चा होता है लेकिन उसकी परवाह नहीं, खाने में स्वाद आता है, यह है वह है। बल उनको उनके पास बायोगैस भी लगी हुई थी बाहर में, अभी भी है। तो अब आज से 28-30 साल पहले मैंने देखा था कि मिट्टी के बर्तन एक इतने बड़े घर में चल चुका है, तो मैं कल इनको बताया कि आप जो मिट्टी के बर्तन के, अब धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन फिर हो रहा है, क्योंकि हम भी जब 10 साल के थे तो बिहार में हर घर में केवल मिट्टी के बर्तन, रोटी भी बेलना से नहीं बेला जाता था, हाथ से हिस्सा पका करके, और तवा जो होता था वो मिट्टी का होता था। तो मेरे ख्याल से गांव-गांव में पहले ही प्रचार था और इन्होंने जो कहा तो ये तो सर्किल है, देखिएगा सब आएगा फिर इसी तरह। धन्यवाद। ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि TVS ग्रुप जो हजारों करोड़ के एम्पायर का मालिक है उनके घर में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं। माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी, समय बहुत लगता है जी, क्या उसको खटरा करने का। ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटें हैं ये कभी नहीं आए, इस दृष्टि से इस उदाहरण का बहुत महत्व है। और ये उदाहरण मैं हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिनको आप रोज अखबारों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। ज़्यादातर के घरों में मिट्टी के बर्तन रसोई में इस्तेमाल होते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पर ही बनती है। धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा तवे पर बनती है। एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पे रोटी क्यों बनाती हैं, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। ये ऐसा मैंने जानबूझ के बोला, हम तो ऐसा मानते हैं कि आप 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन की रोटी माने तवे की। तो कोकिला बहन ने कहा कि जो जो कहे मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रोटी बनाते हैं। पूरे गुजरात में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, अभी भी एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो मिट्टी के तवे पे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और मैं विनम्र रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है। अगर हमें अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बना के रखनी है, बचा के रखनी है, तो ये बातें आपको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यकता है। और ये बातें अगर आपके आचरण में आती हैं तो कितनी बड़ी चीज होती है इस देश में कि अगर मान लो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं, 112 करोड़ लोगों में 20 करोड़ परिवार हैं, 20 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ रसोई घर है, अगर 20 करोड़ रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड़ तवा बनने लगेगा और लाखों कुम्हारों को रोजगारी मिल जाएगी जो बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास काम नहीं। अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड़ परिवारों में दाल बनने लगेगी, चावल बनने लगेगा, तो करोड़ों कुम्हारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे हैं। और हिंदुस्तान में कुम्हारों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी ब्राह्मणों की है, सरकार के आंकड़े हैं। लगभग 18% कुम्हार हैं और कुम्हार जैसी जातियां हैं, 18% ही ब्राह्मण हैं। तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अर्थव्यवस्था को भी मदद होती है,
आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिट्टी से आपका जुड़ाव रहता है, मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। हम पता नहीं कहां कहां से चेन्नई में आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। तो अपनी मिट्टी से चेन्नई जैसे शहर में जुड़े रहने का एक ही रास्ता है कि आप इन मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने कल जो बातें कही थी उनको एक मिनट में फिर से रिपीट करता हूं। कल मैंने एक ही सूत्र का आपके सामने विश्लेषण किया था, भागवत ऋषि का लिखा हुआ, कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना। इस विश्लेषण में से शुरू हुआ कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता, तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना ना खाएं, कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, आज सिर्फ दोहरा रहा हूं याद रखने के लिए। और उसके विकल्प के रूप में मैंने आपसे कहा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कैल्शियम मिट्टी में है, आयरन मिट्टी में है, सिलिकॉन मिट्टी में है, सल्फर मिट्टी में है। आपके शरीर को हर दिन 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनको आप अलग अलग भाषा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटामिन्स चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए। ये डॉक्टर कहता है ना आज की भाषा में कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए आपको, फैट्स ज़्यादा चाहिए। तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसायन शास्त्र की भाषा में मैंने आपको समझाया कल, और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूर्णता मिलती है, माने भोजन पूर्ण होता है। और संयोग से या प्रकृति के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्व मिट्टी में हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्ञान का, जिस वस्तु को खेत में, कृषि भूमि में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है, 7-8 महीने में तैयार होती है, 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिए मिट्टी से, ये 7-8 महीने तक लेते रहे अरहर की दाल के दाने उसकी जड़ों की मदद से, तने की मदद से। अब वो दाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए। जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं, जो बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी से अंदर गए हैं, इनको वापस आपके शरीर में आने में संभावना नहीं है, वो टूटेंगे तो आपके लिए उपयोगी उतने नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि प्रेशर कुकर में बाष्प का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि दाने टूटते हैं, पकते नहीं है वो टूटते हैं, और टूटे हुए दाने गर्म पानी है नीचे से, वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं, वो पके नहीं है वास्तव में, वो सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं। पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकृति ने दी है पोषकता वो आपको मिलने की स्थिति में आ गई या नहीं, तब हम उसको कहते हैं कि ये पक गया है, चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे अरहर का दाना हो या तुअर का। तो ये बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है, एक शब्द है उबलना, उबलना होता है प्रेशर कुकर में, पकना होता है मिट्टी की हांडी में, क्योंकि मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकती है हर चीज। कारण क्या है, मिट्टी जो है ना ऊष्मा की कुचालक है, आप में से जो विद्यार्थी है वो जानते हैं, बैड कंडक्टर है, ऊष्मा की कुचालक है, माने मिट्टी को कोई चीज जल्दी ऊष्मा के रूप में मिलेगी नहीं, धीरे ही धीरे मिलेगी। तो धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी, और दाल पकेगी तो धीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ आएंगे, फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोषकता मिलेगी। और भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, उनकी पोषकता आपको मिले इसके लिए बनाई।
ये जो दाल बनी है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का ऊपर का हिस्सा है जो आप खा रहे हैं फल के रूप में, बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है, गेहूं है, गेहूं का ऊपर का हिस्सा है वो आप खा रहे हैं, बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं वो जानवर खा रहे हैं, और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड़ कहते हैं वो धरती के लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है। प्रकृति ने बहुत सोचकर ये सब बनाया, भगवान ने बहुत सोचकर बनाया। मनुष्य के लिए एक हिस्सा, उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो मनुष्य और पक्षियों के लिए एक हिस्सा, जानवरों के लिए दूसरा हिस्सा, और प्रकृति की धरती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा। हर एक फसल में यही देखेंगे आप। तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने, वो बहुत सोच समझकर बनाया है। जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझकर है, और मिट्टी के लिए। तो उसका अगर जीवन में फायदा उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बागवत जी इसी के लिए शायद ये सूत्र लिख कर गए। तो कल बहुत ज्यादा बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में, आज मैं थोड़ी सी बात करता हूं कल से जुड़ी हुई रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पवन का स्पर्श नहीं होगा। आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है उसके एक बुनियादी सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की मदद से तो आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री या 22 डिग्री 25 डिग्री है, तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं, उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा, और एक दो नहीं ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, आप में से जिन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिक्शनरी निकाल कर देखें, क्लोरीन, क्लोरीन के सामने लिखा हुआ है जहर। सीधे डिक्शनरी देखें, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिक्शनरी खरीद लें केमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने ही लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं? रख लीजिए इसको अंदर। अगर इससे इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिजरेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रखा है जो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड से ही खेल रहा है, तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए, बहुत प्रेम है आपको इससे, तो आप मर जाएंगे। शाम नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी, मिनट में मर जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मार डालेगी, इसको बाहर निकालते रहना है। अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ, 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक 12 गैसें एक साथ छोड़ता, 24 घंटे छोड़ता रहता है, क्योंकि वो चालू है आपके घर में। अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैसें हैं। स्टील के मोटे पट्टे को रख दीजिए, उससे निकल जाने वाली गैसें हाई प्रेशर। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तात्कालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो 5-7 साल में पता चला देगा, तात्कालिक खाएं तो 1 मिनट में आपको पता चल जाए।
तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए, सबसे अच्छा है बंद करिए, और मेरी बात माने तो बेच दीजिए। कोई भी सेकंड हैंड खरीद लेगा, और नहीं बिकता तो लोहे के भाव में बेच दीजिए, तो भी आप फायदे के सौदे में रहेंगे। क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है, लालच पता है क्या है, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन सवेरे, अगले दिन का शाम को, ये चक्कर चलता रहता है, और ये चक्कर में खाने का पोषकता का नाश होता रहता है। और मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। हर वस्तु के आविष्कार के पीछे कारण होता है, तो इसका कारण था ठंडे देशों की, ठंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबोहवा। आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिए, मैंने किया था, मैंने एक प्रयोग किया था कि एक बार मैंने क्या किया, बर्फ का सिल्ली 1, 2, 3 चारों तरफ से लगा के मैं उसके बीच में लेट गया, तो 15 मिनट में मेरा शरीर अकड़ गया, 15 ही मिनट में, जबकि मैंने खूब प्राणायाम और ये सब किया, 15 मिनट में शरीर अकड़ गया। और उस दिन मैंने मेरी बायोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया तो मैं बहुत ही परेशान था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में 6-6 महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते, उनका क्या होता हो। 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों, धूप नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं होता, और यही परिस्थिति में उनको सोना पड़ता है, तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी, और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी, क्योंकि शरीर भोजन से ही है। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो, उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई, और उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर को हम प्रकृति के रेगुलेशन में हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें, घटा सकें, इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है, कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है, उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी में से ये निकला। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है। बहुत सारी दवाएं एलोपैथी में ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं, माने उन दवाओं का असर नहीं रहता, लो टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं। तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे, इसके लिए फ्रिज बना। वो पानी रखने के लिए नहीं बना है, दाल रखने के लिए नहीं बना, सब्जी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले, तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था, और मिलिट्री के लिए ही ये बना था, क्योंकि आर्मी के जो सैनिक हैं वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रिज आया। ये हमारे लिए नहीं बना, हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी। मान लीजिए ये जो समय है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब वहां बर्फ का समय है। अब इस बर्फ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए, नहीं मिलेगा, टमाटर चाहिए, नहीं मिलेगा, भिंडी चाहिए, नहीं मिलेगी, गाजर चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा उनको। बर्फ मिलेगी, खा लो तो खा लो, नहीं तो उसको गर्म करके पानी बना लो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। जब मिल रहा है तो इकट्ठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो। अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में,
और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके ही घर में फ्रिज। मैं कहता हूं प्रोफेसर साहब आप ये क्या गजब कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, क्या करें, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो आपकी केमिस्ट्री पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक? तो कहते समझती नहीं। तो मैंने कहा फिर आप प्रोफेसर क्यों हो गए? जो आप अपनी पत्नी को केमिस्ट्री नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके, दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो मुश्किल यह है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो रहे, अपने जीवन में नितांत विज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है, रेफ्रिजरेटर। तो मेरी विनती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाइए क्योंकि वो जहर हो जाता है। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है, और शायद बाघभट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रेखांकित करके। वो ये कहते हैं, अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूं, पहले नियम खत्म हो रहे हैं, अब दूसरे पर मैं जा रहा हूं। बाघभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, कोई भी खाना, दाल बनी, चावल बना, रोटी बनी, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। यह दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। कोई भी खाना बना, बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग माने कंजम्पशन हो जाना चाहिए। रोटी बनी, बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। चावल बन गया, 48 मिनट में खा लीजिए। दाल बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। खीर बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। सिवई बन गई, 48। ये 48 मिनट का चक्कर क्या है? 48 मिनट, 40 मिनट भी नहीं, 50 मिनट भी नहीं, 48 मिनट। तो बाघभट्ट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, आयुर्वेद के तो चिकित्सक थे ही, मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे। तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो सब इसी तरह के हैं, 42 मिनट। अब ये जो मिनट है ये मैंने जोड़ा है, बाघभट्ट जी ने लिखा है 48 पल। हमारे यहां जो होता है ना, पल होता है, क्षण होता है, प्रतिपल होता है। हमारे यहां जो समय की नापने की डिग्रियां हैं वो पल है, क्षण है, प्रतिपल है, वगैरह वगैरह। ये जो मिनट का चक्कर है ये तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है। ये मिनट आपको समझता है, पल समझता नहीं, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। हालांकि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है, एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है। अगर बाघभट्ट जी के कैलकुलेशन में करूं तो एक मिनट का 52वां हिस्सा एक पल है। और बाघभट्ट जी कहते हैं कि लगभग भोजन बनने के 50 पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, तो मिनट मैंने कैलकुलेट किए तो वो 48-47 के आसपास आता है। ये कैलकुलेशन है। तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजिए तो आपके लिए सबसे ज्यादा पोषकता देने वाला है। जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोषकता कम होने लगती है। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर, और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बाघभट्ट जी का है, 3500 साल पहले ये शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं? बाघभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी। उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते हैं, 364 दिन नहीं खा सकते, एक ही दिन खा सकते हैं। और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पक्का कैलकुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के वात पित्त और कफ की अवस्था क्या होती है, उसके अनुसार बासी भोजन चलता है। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते हैं। एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अगहन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बाघभट्ट जी का दिन भी वही पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है।
त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। भागवत जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में तीन दोष हैं, वो आप सब जानते हैं, वात पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात पित्त कफ तीन दोष हैं, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात पित्त कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भागवत जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए, तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके लिए, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। चेन्नई में बहुत महंगा है स्थान, एक स्क्वायर फुट का क्या भाव है, 3000। तो फ्रिज अगर रखा है मान लो 5-7 स्क्वायर फीट में, तो 3000 में 5 का गुणा कर लो, 15000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिंदगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है। तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन में मत लाइए। मेरी विनती है कि जिन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदें, जिन्होंने खरीद लिया है वो धीरे धीरे उसका उपयोग कम करें। एक दिन थोड़ा ऐसा आए कि उपयोग उसका बंद ही हो जाए तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC-1, CFC-2, CFC-3, CFC-12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं कि क्या करें क्या करें। अभी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 7 दिन का सम्मेलन हुआ, अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई CFC का प्रोडक्ट